थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग स्थित पुष्पांजलि हाइट्स अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर दो फ्लैट में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान धुएं से दो फायर कर्मियों की हालत बिगड़ गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना न्यू आगरा दयालबाग स्थित पुष्पांजलि हाइट्स अपार्टमेंट के दो फ्लैट में सोमवार सुबह आग लग गई। आग से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल गाड़ियां पहुंच गईं। अपार्टमेंट में धुआं भरने से दो दमकल कर्मियों की हालत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मेरे पास सूचना ईदगाह से आई थी, हमारे जूनियर है साथी सागर कंट्रोल रूम में, वहाँ से मेरे पास सीधा सूचना दी गई कि वहाँ पे सातवें और आठवें फ्लोर पे आग लगी हुई है। कॉलर ने बताया तो तत्काल यहाँ से गाड़ी को मूवमेंट किया, कुछ लोग फंसे हुए, तो जब वहाँ जाके देखा कि अफरा तफरी का माहौल था, लोग घबराए हुए थे, जो लोग थे कुछ लोग आसपास के लोग फ्लैटों में थे जो उनको चढ़े हुए, रात का वक्त था, गहरी निंद्रा में भी होंगे तो उनको भी खाली कराया गया, आसपास के एरिए को भी खाली कराया गया, मतलब सराउंडिंग जहाँ घटना थी 702-708 के आसपास, तो उसमें काफ़ी लोग निकले। पुष्पांजलि हाइट्स के सातवें तल पर फ्लैट नंबर 702 में राहुल भटनागर माँ और अपनी पत्नी संगीता भटनागर के साथ रहते हैं। आठवें तल पर फ्लैट नंबर 802 में राजीव सक्सेना, पत्नी निधि सक्सेना, दो बेटियों सुकृति और वैभवी रहती हैं। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। दूसरा ये कि आग में धुएं इतना ज्यादा था और लोग घबराए हुए थे, तो आग पे चैलेंजिंग ये था कि आठवें फ्लोर पे थी। मैंने एहतियातन आग की विकलता को देखते हुए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और वाटर बाउजर को भी बुलवा लिया था ईदगाह से, उसको आने में थोड़ा वक्त था दूरी की वजह से, लेकिन तब तक हमने काम शुरू कर दिया। हमारी टीम ने तीनों जगह एक एक फ्लैट 102 में भी छोटी सी आग लगी थी, क्योंकि ऊपर से ही आग का कुछ पार्ट गिरा था जिस कारण से नीचे वो कुछ वायरर थे उसमें आग लग गई थी, उसको भी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया गया। 702 में भी उसमें एसी भी थे और उनके हीट वो कॉइल हीटर होते हैं जाड़ों में यूज़ करते हैं गर्म करने के लिए, तो उसमें आग लगी थी, वो तीन चार थे उनको भी बुझाया गया। साथ में विकराल रूप तो 802 में था, 802 में ही आग भयंकर रूप से लगी थी। उनका मंदिर भी था, पूरा कमरा था, उसमें परिवार निकल आया था, लेकिन वो खतरनाक था, इतना कि धुआं बहुत बुरी तरह से फैल रहा था। विपरीत कंडीशन में भी इसको आपको बुझाना जरूरी था, क्योंकि आग और फैलती तो शायद कई फ्लैटों को ले लेती। अपार्टमेंट में धुआं भर गया। जिन फ्लैट में आग लगी थी उनसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने घंटी बजाकर बचे हुए लोगों को जगाकर बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने आग बुझा ली, लेकिन धुआं भरे होने के कारण घंटों लोगों को बाहर रहना पड़ा। इतनी धुएं की वजह से घायल हुए इसमें मैं भी था, और उसमें तब महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने आग का अग्निशमन कार्य करने के बाद तो मैंने उनसे गुड़ भी मांगा, ये गुड़ एक ऐसा एंटीबायोटिक काम करता है जो कि जिस डॉक्टर साहब हैं तो उससे बड़ा हेल्प मिलती है, ऑक्सीजन लेवल उससे बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोई दिक्कत हुई। जब वहाँ से कार को निपटा लिया, सबको संतुष्ट करके जब चला तो मुझे महसूस हुआ, फिर हॉस्पिटल गए और फिर मैंने अपना उपचार कराया, और मेरे साथ मेरा ड्राइवर था उसको भी दिक्कत हुई, उसने बहुत अच्छा काम किया, राम केस ने हवलदार श्याम सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, कलका सिपाही अभिनव है उसने बहुत अच्छा काम किया। अपार्टमेंट में धुआं अधिक होने के कारण अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कत हुई। संजय प्रेस फायर स्टेशन के प्रभारी सोमदत्त व रामकेश की धुएं से तबियत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। संजय प्रेस फायर स्टेशन प्रभारी ने बताया कि आग फ्लैट नंबर 702 की एसी की आउटडोर यूनिट में शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी, इसके बाद ऊपर स्थित फ्लैट में भी आग लग गई। आग से सबसे ज्यादा नुकसान फ्लैट नंबर 802 में हुआ। अग्निशमन कर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।